देश भर में वैक्सीनेशन को शत प्रतिशत पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में भी अब डोर टू डोर वैक्सीनेशन अभियान को तेज कर दिया गया है, जिसमें पूरे निगम क्षेत्र में शत प्रतिशत वैक्सीनेशन के लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। पूरे प्रदेश सहित देश में भी अब तक ऐसे कई लोग हैं जिनका वैक्सीनेशन पूरा नहीं हुआ है और कुछ ने तो अब तक पहली खुराक भी नहीं ली है। ऐसे में प्रदेश भर में शत प्रतिशत वैक्सीनेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सभी जिलों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत नगरपालिक निगम भिलाई क्षेत्र में भी पूरे जोर शोर से डोर टू डोर वैक्सीनेशन अभियान तेज कर दिया गया है। इसी कड़ी में वार्ड 10 में वैशाली नगर विधानसभा युवा कांग्रेस के महासचिव मोहम्मद शोएब द्वारा वैक्सीनेशन टीम का भरपूर सहयोग कर डोर टू डोर जाकर वैक्सीनेशन कार्यक्रम को सफल बनाया जा रहा है और जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें जागरूक करके वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। विगत 15 दिनों से लगातार चल रहे इस अभियान में बड़ी सफलता मिल रही है, जिसके लिए वार्डवासी भी आभार जता रहे हैं। वैक्सीनेशन टीम द्वारा भी यह जानकारी न्यूज टीम को उपलब्ध कराई गई कि अभी कुछ लोगों में जागरूकता की कमी देखी जा रही है और कुछ में वैक्सीनेशन को लेकर भय बना हुआ है, जिसके लिए यह टीम लगातार प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हों और अपने डर को छोड़कर अपने जीवन को बचाने के लिए अपना वैक्सीनेशन पूरा कराएं। जी एक्चुअली निगम की तरफ से ये लक्ष्य है कि यहाँ कोई भी वैक्सीनेशन मतलब एक भी इंसान ना छूटे, कोशिश की जा रही है। तो अभी हमारा 9 और 10 में वार्ड पूरे एरिया में चल रहा है वैक्सीनेशन और ये यूथ कांग्रेस मोहम्मद शोएब खान जी के सहयोग से पूरी तरह हम कवर कर रहे हैं। एक एक डोर टू डोर हमारे साथ जाते हैं, उनका भरपूर सहयोग मिल रहा है। तो हमारी कोशिश है भी कोई भी घर कोई भी लोग ना छूटे और 100% वैक्सीनेशन इस एरिया में हो जाए। तो इसमें ये भी देखा जा रहा है मैडम कि अभी भी पहला डोज किसी ने नहीं लगवाया है, तो क्या जागरूकता की कमी है या कैसे? जी सर, लोगों में थोड़ा डर और थोड़ा जागरूकता की कमी तो है, इसलिए हमारे साथ शोएब खान जी जाते हैं, हम सभी समझाते हैं, जागरूक करते हैं एक एक एरिया में। तो जितनी ज़्यादा सहयोग मिल रहा है यहाँ पे उसके हिसाब से लोग अब जागरूक भी हो रहे हैं, लगवा भी रहे हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी लोग छूटे हैं। हमारी कोशिश है कि वैक्सीनेशन हो जाए 100%। हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं सभी जनमानस से कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, तो अनुरोध है कि आप सभी वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाएं और सभी लोग वैक्सीनेशन लगवाएं करवाएं। हम लोग आज 15 दिन से कंटिन्यू लगातार हर वार्ड में लगाने का लक्ष्य है। हर वार्ड में जाकर हम अपना वैक्सीनेशन कैंप लगाएं और डोर टू डोर जाके लोगों को जागरूक करें और वैक्सीनेशन के लिए उनको बताएं कि इससे डर नहीं, वैक्सीनेशन लगाना ही है। और आज हम लगातार वार्ड 9 और 10 में कंटिन्यू डोर टू डोर जा रहे हैं और कल हमारा दूसरे वार्ड में वार्ड नंबर 16 इंदिरा नगर में वैक्सीनेशन कार्य फर्स्ट एंड सेकंड डोज पूरा कंप्लीट करने के बाद में जो सीनियर सिटीजन है हमारे उनको बूस्टर का भी वो है, साथ में उनको वैक्सीन का भी वो कर रहे हैं। कोरोना महामारी का एकमात्र उपाय है कि हम सभी अपना वैक्सीनेशन पूरा कराएं। इसके लिए भिलाई निगम क्षेत्र में प्रतिदिन वैक्सीनेशन सेंटर बनाकर लोगों को सुरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है, परंतु जरूरी होगा कि स्वयं जागरूक होकर वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचकर अपना वैक्सीनेशन पूर्ण कराएं और खुद के साथ परिवार को भी सुरक्षित करें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।